हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं महेंद्र दया आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कल थोड़ा मैं बिजी था इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अपन ने मॉडर्न फिजिक्स में लेक्चर 4 कर लिया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट में एक्सरे बताया था। आज बेसिकली एक्सरे का आज पोर्शन करते हैं और एक्सरे आज कम्प्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक्सरे में मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि एक्सरे होता है, ठीक है, एक्सरे की अपने लैम्डा मिनिमम अपने फाइंड किया था। लैम्डा मिनिमम आया था अपना SC अपॉन EVA, याद है आपको? और EV क्या होता था? VA होता था एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज, क्लियर? तो ये ग्राफ होता है। अब तक उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हो? मैंने ये भी बताया था आपको, अगर ग्राफ ऐसा क्या हुआ है, इस टाइप से ग्राफ आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा जो हो गया वो इधर खिसक गया, मतलब लैम्डा क्या हो गया, कम हो गया। अगर लैम्डा कम हो गया तो ये VA क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो लैम्डा जब कम होगा तो VA क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना, ग्राफ अगर यहाँ शिफ्ट हो गया और आपको बोल दिया जाए कि सर ये VA है और ये VB है, बड़ा कौन होगा? तो देखो, आपको सिंपल से पता है कि अगर मैं बात करूं लैम्डा A और लैम्डा B में, तो बड़ा कौन है? लैम्डा भी बड़ा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, VA जो होगा VB में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये अपन यहां तक डिस्कस कर लेता। अब बात करते हैं अपन कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दो टाइप के एक्सरे होती है, एक तो होती है कंटिन्यूस और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए ग्राफ्स देखते हैं। पहले ग्राफ बना लीजिए, इस ग्राफ से अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, के अल्फा के बीटा से ज्यादा एक तो क्वेश्चन यहाँ आता है, एल अल्फा एल बीटा एल गामा, राइट है। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? एल अल्फा, फिर एल बीटा और फिर एल गामा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ये अपन डिस्कस करेंगे क्यों ज्यादा होता है, अभी फिलहाल ही ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। अब इस ग्राफ को समझते देखो, बेसिकली क्या है, देखो दो टाइप की अपने पास एक्सरे होती है, एक तो होती है कंटिन्यूस एक्सरे, कंटिन्यूस एक्सरे, और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दोनों का क्या नाम कैसे बोला गया, कंटिन्यूस क्यों बोला गया, कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोला गया, वो अपन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कंटिन्यूस एक्सरे की। देखो कंटिन्यूस एक्सरे वो होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो लैम्डा होता है वो टारगेट पे डिपेंड नहीं करता, समझ रहे हो बात को, वो सिर्फ लैम्डा डिपेंड करता है एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज पर। होता है क्या, जब किसी इलेक्ट्रॉन के पास सर्टेन एनर्जी हो और वो एनर्जी क्या करे, वो मेटल को टारगेट को डोनेट कर दे और उसके कारण एक्सरे निकल जाए, तब उसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस एक्सरे। इसके अंदर क्या होता है कि जो लैम्डा मिनिमम या लैम्डा जो भी आएगा वो सिर्फ एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, वो टारगेट पर डिपेंड नहीं करेगा, टारगेट कैसे लिया अपने, तो उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरे, ठीक है। तो कंटिन्यूस एक्सरे कौन कौन से, जो ग्राफ के अंदर देखो, ये अगर मैं इस ग्राफ को हटा देता हूँ तो जो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला, राइट है, इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूस एक्सरे, राइट है। वापस बता दूं, कंटिन्यूस एक्सरे की वेवलेंथ जो होगी सिर्फ एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। कंटिन्यूस एक्सरे होता है उसका लैम्डा होता है, उसका फॉर्मूला होता है SC अपॉन EVA। तो आप देख सकते हो कि ये जो लैम्डा है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे डिपेंड कर रहा है, H और C और E क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके अंदर कंटिन्यूस एक्सरे के अंदर सिंपल सा डेफिनेशन ये होगी कि अगर वेवलेंथ सिर्फ एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करे तो वो कंटिन्यूस एक्सरे होता है, ठीक है। अच्छा सेकंड होती है जो ये शार्प पॉइंट आया हुआ है, शार्प पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, राइट है। अब इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों बोलते हैं, देखो क्या होता है कि एक्सरे दो टाइप की होती है, एक तो पढ़ लिया अपन ने। अब कुछ एक्सरे ऐसी होती है जो टारगेट पर डिपेंड करती है, मतलब टारगेट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है कि आपने टारगेट कैसा लिया, उस पर डिपेंड करती है। अपन इसकी बिल्कुल चर्चा करेंगे इसकी, अभी फिलहाल कंटिन्यूस एक्सरे के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो कंटिन्यूस एक्सरे की ध्यान रखना कि लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, SC अपॉन EV होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो लैम्डा है सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, एक्सेलेरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, क्लियर। तो कंटिन्यूस के बारे में इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये कैसे बनती है, देखो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है और यहां पर एटम है, जैसे मान लो ये ZP प्रोटॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये हायर शेल है, ये उससे हायर शेल है। अब कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एटम के किसी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेट वो K से भी निकाल सकता है, L से भी निकाल सकता है, M से भी निकाल सकता है, N से भी निकाल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब ये आता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैलेंसी क्रिएट। वापस सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो किसी एटम की के शेल, एल शेल या शेल में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, मतलब खुद तो मरता है साथ में उसको भी लेकर मरता है। तो उस कारण से क्या होता है, वहां पर वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, क्या हो जाती है, वैलेंसी क्रिएट। अब यहाँ पर अगर वैलेंसी क्रिएट हो गई तो उसको वैलेंसी को फिल करने के लिए क्या करते हैं कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
इनर ऑर्बिट में आने स्टार्ट होते हैं। वो हो सकता है कि थर्ड से फर्स्ट में आए, हो सकता है सेकंड से फर्स्ट में आए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब आता क्यों इलेक्ट्रॉन, ये भी अपन को बताना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में क्यों आएगा। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो स्टेबल होना, और स्टेबिलिटी जो होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो आपको पता होगा हायर ऑर्बिटल में, हायर ऑर्बिटल में क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, लोअर ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये सिंपल सा है कि ये यहां से आने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी लूज करनी है, इसको स्टेबल होना है। तो ये क्या करेगा, यहां से आने की इस वैलेंसी को बढ़ने के लिए हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा। तो जब ये हायर से लोअर आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, डोनेट करेगा, एनर्जी देगा, और ये एनर्जी क्या करती है, एक्सरे की फॉर्म में निकलती है। और यहां से जो एक्सरे निकलती है उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एटम। आपने एटम कैसे लिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस चीजों पर डिपेंड करता है, इसलिए इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। मेरी बात समझ में? अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था आपको पहले, याद हो तो आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये सब अपने फॉर्मूले पहले डिस्कस किए थे, ठीक है ना, इससे पहले वाला चैप्टर में ना। तो 1 अपॉन ये फॉर्मूले पढ़ते हैं, R आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट, Z ये है। अब जैसे कि क्या होगा कि Z है, तो सिंपल सी बात है जो लैम्डा है वो क्या हो रहा है, Z पर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल इसको ऐसे क्या बोलेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलेंगे। क्लियर, क्लियर है ये बात, समझ में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए इसका आगे देखते हैं। अब क्या हो सकता है, देखो अब मैं आपको एक एक चीज का बता देता हूँ। देखो जैसे ये आपको मान लो प्रोटॉन है, ठीक है, ये आपका मान लो के शेल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर एल ये के है, फिर एल है, फिर आपका एम है, और ऐसे ही क्या चलता रहेगा, एन भी चलता रहेगा, राइट। अब के अल्फा, अगर आपको कहीं लिखा हो मिले के अल्फा का मतलब क्या होगा, के अल्फा का मतलब होगा कि वैलेंसी, वैलेंसी के में क्रिएट हुई है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आया, इलेक्ट्रॉन आया अल्फा, मतलब अल्फा मतलब होगा पास वाले से, मतलब एल से आया। इसका मतलब क्या होगा कि वैलेंसी कहां पर है, वैलेंसी आपकी के में, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है एल से, मतलब अल्फा का मतलब सिंपल सा होगा पास वाला, बीटा का मतलब एक छोड़कर, गामा का मतलब दो छोड़कर। अगर लिखा हुआ है के बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंसी कहां पर है, वैलेंसी आपकी के में है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, बीटा, मतलब देखो के पास होता है अल्फा फिर बीटा फिर गामा, तो कहां से आ रहा है, एम से आ रहा है, राइट है। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, कहीं लिखा हो के एल अल्फा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंसी कहां पर है, वैलेंसी आपकी L में है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, के एल एम, एम होता ना तो एम से आ रहा है। क्लियर, ये तो सिंबल होते हैं। अब अपन इनकी वैल्यू पॉइंट करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली आता है, आपको पूछ लेगा कि भाई लैम्डा के बीटा निकालो, आपको सब कुछ वैल्यू दी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, के अल्फा की बात करते हैं, लैम्डा के अल्फा देखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो कि वैलेंसी कहां है, वैलेंसी आपकी के में है, और इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, एल से आ रहा है। अच्छा, इसके लिए n कितना होता है, n1 होता है, और n2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, 1 अपॉन लैम्डा r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। r की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई, z की वैल्यू पता ही है, z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, आपको निकालना जैसे कि लैम्डा k बीटा निकालना, ठीक है, तो k बीटा के लिए k कितना हो जाएगा, k कितना गया, n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बीटा से आया इसलिए n2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, इसी फॉर्मूला लिखना है, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा के, लैम्डा के बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r z स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो लैम्डा के अल्फा निकाल लोगे, लैम्डा के बीटा निकाल लोगे, लैम्डा के गामा निकाल दोगे, एल अल्फा निकाल दोगे, ऐसे करके सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब इसमें पूछा जाता है, एक तो ऑर्डर पूछ लेता है कि भाई के अल्फा के बीटा के गामा कौन बड़ा होगा, तो आप वैल्यू फाइंड करके देख सकते हो किसकी ज्यादा बढ़िया है, राइट है। एनर्जी का भी पूछ सकता है कि एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस सॉरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर, मैं बात समझ में आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों बोलते हैं इसको, इस कारण से इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसी को लेकर क्या एक लॉ भी बनाया गया जिसको बोलते हैं मोज़ली लॉ, ठीक है, मोज़ली लॉ बनाया गया। चलिए नेक्स्ट लॉ जो आता है वो आता है मोज़ली का लॉ, राइट है।
जो आपने अभी एक कैरेक्टर से एक्सेक्यूटिव पढ़ा उसी को लेकर मोजली निकलवा दिया, ठीक है, इसको देखते हैं क्या लो। तो ये बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है ए जेड माइनस बी। अभी मैं बताऊंगा ए और बी क्या है। अभी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। देखो फ्रीक्वेंसी कई बुक में फ्रीक्वेंसी भी लिखा होता है, म्यू भी लिखा होता है, एन भी लिखा होता है, तो एक ही बात है, राइट। ये लॉ दिया, उसने ग्राफ भी बनाया, उसने ग्राफ बनाया रूट म्यू और जेड के बीच में ग्राफ बनाया, तो जेड ग्राफ किस टाइप से आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मोजली का लॉ, ठीक है। अभी लॉ कैसा आया, देखो उसने क्यों दिया, कैसे दिया, तो सिंपल सा अभी अपने फॉर्मूला पढ़ा, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अच्छा बताइए, आपने ये पढ़ा होगा कि वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एफ लैम्डा होती है ना, एफ लैम्डा वेलोसिटी क्या होती है, एफ लैम्डा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एफ निकालूंगा तो क्या आएगा, एफ आएगा सी बाई लैम्डा आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से भी सी मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ से भी सी मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर और वन अपॉन एन स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर सी जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट मतलब जेड का स्क्वायर रूट यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ, ये हो जाएगा आपका आर सी और ये हो जाएगा जेड और ये हो जाएगा वन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अंडर रूट एफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके, जेड के, राइट है। यही क्या था आपका, मोजली का लॉ था, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली आगे आप देखेंगे ये ए और बी क्या है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक सेकेंड में मार्क कर देख लेता हूँ कहाँ रख दिया, हाँ। तो ये रूट एफ इक्वल क्या हो गया, जेड हो गया। तो अभी अपन देखेंगे जेड माइनस बी क्या है, ये बेसिकली क्या चीज होती है, सब बताऊंगा आपको। तो बेसिकली ये था मोजली का लॉ, अगर आपसे पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अभी देखिए। तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अंडर रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी होता है, ठीक है। अगर मुझे बात करे कि भाई मुझे पूछे कि बताओ एफ के अल्फा कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ के अल्फा के लिए क्या करोगे, लैम्डा के अल्फा फाइंड कर लोगे, राइट है। अच्छा देखो इसकी वैल्यू बता देता हूं, देखो के अल्फा के लिए, के अल्फा के लिए जो ए की वैल्यू होती है वो तो होती है रूट थ्री आर सी बाई फोर होती है, और बी की वैल्यू कितनी होती है, वन। बेसिकली अपन के अल्फा के बारे में ही पूछेंगे ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। के अल्फा इज इक्वल टू क्या याद रखना है कि अंडर थ्री आर सी बाई फोर अपॉन और बी की वैल्यू कितनी होगी, वन हो जाएगा। तो के अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अंडर एफ इक्वल टू रूट थ्री आर सी बाई फोर और जेड माइनस वन। अब देखो ये आया कैसे, आया उसी फॉर्मूले से, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अगर आप बात करो के अल्फा की, तो एन वन की तरफ हो गए वन, एन टू की तरफ हो गए टू, सॉल्व करोगे तो थ्री बाई फोर आएगा और ये फॉर्मूला घुमा पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर जेड स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर जेड माइनस वन क्यों आ रहा है सर, ये अपन देखते हैं सर, जेड माइनस वन क्यों आ रहा है, तो इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट है। तो अगली हेडिंग डालते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट के, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखिए एक चीज है, देखो ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं ना, ये बात है, यहाँ पर जेड स्क्वायर नहीं होता है, एक्चुअली आता है जेड इफेक्टिव का स्क्वायर, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट आने के बाद दिया गया है, पहले अपन को स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद पता नहीं था, तो इसलिए अपन इसको डायरेक्टली जेड स्क्वायर लिखते थे, लेकिन अब स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद पता चल गया, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे जेड इफेक्टिव का स्क्वायर। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, देखो मान लो सिंपल सी बात है, ये आपका जेड पी है, ये प्रोटोन है, राइट, यहाँ पर मान लो वैलेंसी क्रिएट हुई है और इलेक्ट्रॉन यहां से आना चाहता है, इस इलेक्ट्रॉन के यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा होगा ना, तो एक्चुअली जेड इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब अपन जनरली क्या करते हैं, जेड लेते हैं। अब इसको क्या लग रहा होगा, देखो इसको क्या लग रहा होगा कि मेरे को एक्चुअली क्या करना है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते ना, तो एक पहले से क्रिएट हो गया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको ऐसे लगेगा जेड, इसको लगेगा जेड माइनस वन। देखो प्रोटॉन कितना है, पी है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सेम होता है, तो इसको एक्चुअली क्या लगेगा, इसको एक्चुअली लगेगा देखो जेड प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चार्ज जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, जेड माइनस वन का लग रहा होगा,
समझ रहे हो बात को, जब वो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से दो इलेक्ट्रॉन, के में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा और प्रोटॉन का कितना है, z है, तो उसको एक्चुअल में कितना लगेगा, उसको एक्चुअल में लगेगा z-1, z ही लगेगा, z-1, समझ रहे हो बात को, तो यहां z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, z-1 होगा, ना कि z होगा, क्लियर। तो फॉर्मूला थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, r बदल हो जाएगा थोड़ा सा, तो r z is z इफेक्टिव का स्क्वायर लिखेंगे यहां पर, और वही 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, क्लियर। अब मैं ये बात कर रहा हूं k अल्फा की, तो k अल्फा के लिए क्या हो गया, 1 upon lambda, z इफेक्टिव क्या हो गया, z minus 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां पर आप n की वैल्यू 1 रखोगे, यहां पर रखोगे 2 रखोगे, तो सीधा ये फॉर्मूला आएगा, तो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना अपने, z minus 1 क्यों आता, वो इस कारण से आता है। तो सिंपल सा अगर आपसे कुछ, तो स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीन इफेक्ट होता है मतलब इनर ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब के लिए क्या होता है, ये जेड माइनस वन होता है, अगर सोचो देखो जैसे ये जेड पी है, ये के में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर आपके कितने होते हैं, एल के अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं उसके पीछे फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर आ रहा है और यहां से वैलेंसी क्रिएट हो गई है, यहां वैलेंस चली गई है, अब बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन प्लस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। देखो ये कौन सा है, ये आपका है के है, ये एल है, ठीक है, ये आपका एम मान लो, बस समझा रहा हूं मैं आपको। देखो तो सिंपल सी बात, इसको कितने इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 8 तो ये और ये चला गया, तो इस बार देखेंगे उसको जेड माइनस 9 देखेंगे, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर जो जेड इफेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड माइनस 9 हो जाएगा। बेसिकली बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके तो बस के अल्फा भी आएगा, बस के अल्फा का याद कर लो आप, के अल्फा से ज्यादा नहीं पूछेंगे, ये क्लियर हुआ ये, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, मेरी बात सुन भाई। तो ये था एक्सरे, इसके मैंने सारे फॉर्मूला आपको करा दिए, अब आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत आया तो मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है तो मैं रेगुलर वीडियो बना नहीं पाता, ठीक है ना, बट कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, चलिए।